तो क्या है गेमर्स, आज मैं जाने वाला मिलिट्री बेस के सीक्रेट बेस में, यहाँ पर उन्होंने पता नहीं क्या छुपाया हुआ है, वो किसी को देखने नहीं देते, लेकिन आज मैं जाने वाला हूँ। तो अभी जल्दी से वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं उन्होंने क्या छुपाया हुआ है जो वो किसी को देखने नहीं देते। वैसे हो क्या सकता है, ये रहा मिलिट्री बेस आ गया, अभी सीधा अंदर चलते हैं, हमें कोई भी नहीं रोकेगा। अड़े नहीं, ये क्या, ओ ये सब तो फायरिंग करे मुझ पर, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। वो सीक्रेट टनल इस मिलिट्री टैंक के नीचे, लेकिन ये सब तो मेरे पीछे ही पड़ गए, सबके सब आ रहे मुझे कूदने को। जल्दी से यहाँ से जाना होगा, मेरी तुम हेल्थ देखो, हेल्थ मेरी कितनी सी बची है, फिर भी ये गोलियां चला रहे। अरे वहाँ पर एक गुफा है, उसके अंदर चलते हैं, वहाँ पर ही मैं सेफ रहूंगा। तो गेमर्स, मैंने सारे सितारे गायब कर दिए और इसके अलावा मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। तुम मेरे हाथ में एक स्नेक देख सकते हो, लेकिन ये नकली है। ये जो सांप है ना, ये रिमोट से कंट्रोल होता है, ये एक रिमोट कंट्रोल सांप है। इसके अंदर ना बेहोश करने वाली नीडल्स डली हुई है, मतलब कि इसे मैं छोड़ दूंगा मिलिट्री बेस में, ये वहाँ पर जाकर सबको बेहोश कर देगा, फिर मैं उठा दूंगा उस मिलिट्री टैंक को, उसके बाद मैं चला जाऊंगा सीक्रेट बेस में जो कि किसी ने भी नहीं देखा। तो अभी मुझे ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर मुझे कोई भी नहीं देख पाए। ओ तो गेमर्स, मैं अभी आ चुका हूँ इस पेड़ के पीछे, यहाँ पर ना मुझे कोई भी नहीं देख रहा, मैं काफी सेफ हूँ यहाँ पर। तो चलो अभी इस स्नेक को कंट्रोल करते हैं। ओ तो गेमर्स, ये देखो ये जा रहा है अभी मिलिट्री बेस में। ओ यहाँ पर तो कोई भी नहीं, जल्दी से अंदर चलते हैं। अंदर तो मैं आ गया। ओ ओ, ओ, ओ अड़े अड़े अड़े, ये काफी फास्ट जा रहा है, मेरा स्नेक थोड़ा स्लो है, किसी और को पकड़ते हैं। तो गेमर्स यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर खड़ा है, तो अभी इसके पास चलते हैं। मुझे चुपचाप जाना होगा, बस आराम से आराम से, ये मुझे देख ना ले, बस आराम। ओ नहीं, ये क्या, अड़े अबे सुई मार, ये क्या हो रहा है, ये क्या आ गया मेरी स्क्रीन पर, लगता है इसने इसका कैमरा तोड़ दिया। अभी मुझे ही जाकर देखना होगा, देखते हैं क्या हुआ है। ये सांप किसी काम का नहीं निकला, मुझे लगा था वो अपना काम कर देगा, लेकिन मिलिट्री वालों की बहस किया उन्होंने, पता नहीं क्या किया। ओ नहीं, ये रहा मेरा सांप, इन्होंने तो इसकी बुरी हालत कर दी है, इसके सारे पुर्जे वुर्जे इन्होंने निकाल दिए, अभी ये किसी काम का नहीं, लगता है कुछ और करना पड़ेगा। मिलिट्री वाले बहुत तेज है, वो अपना सीक्रेट बेस किसी को नहीं दिखाना चाहते, लेकिन इनकी ऐसी की ऐसी मैं तो देख कर रहूंगा। ओ तो गेमर्स, ये देखो क्या बन चुका हूँ, मैंने नकली एफ वेब और पैक शेक वाला सूट पहना है मैंने, इसमें मैं लग रहा हूँ बॉडी बिल्डर, एकदम बहुत ज्यादा ताकतवर। तो गेमर्स, मुझे लग रहा है मेरी बॉडी देखकर मिलिट्री वाले मुझसे बहुत ज्यादा डर जाएंगे, मुझ पर गोलियां भी नहीं चलाएंगे, मैं आराम से चला जाऊंगा सीक्रेट बेस में। तो अभी चलते हैं मिलिट्री बेस में, उनको अपनी बॉडी वॉडी दिखाते और डराते हैं। आज तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ये मिलिट्री बेस वालों, मुझसे डरो, मेरे पास बहुत ज्यादा बॉडी है, तुम बहुत मार खाओगे। ओ नहीं, ये क्या, इन सब ने तो मारना शुरू कर दिया, लेकिन इनकी ऐसी की तैसी, फिर भी मैं जाऊंगा। ओ नहीं, अड़े मेरी हेल्थ देखो, इन्होंने तो मेरी पूरी हेल्थ खत्म कर दी, इनकी भैंस किया, यहाँ से भागना ही सही रहेगा, फिर मैं कभी आऊंगा, नहीं तो मुझे ये भगा भगा कर मारेंगे, और उसके बाद ये मुझे दे देंगे वाइस टाउन की पुलिस को, जो मुझे इनसे डबल ट्रिपल पता नहीं कितना मारेगी, और पता नहीं कितने सालों तक मुझे बंद करके रखेगी। तो गेमर्स, मेरे पास अभी एक स्मोक बम, ये फटने वाला बम नहीं है, इसमें से निकलेगा धुआं, इसमें से ऐसा धुआं निकलेगा जिससे मिलिट्री वाले बेहोश हो जाएंगे। अभी मेरे साथ है ये मेरा दोस्त ट्रायन, तो अभी इस ट्रायन को बेहोश करते हैं। ट्रायन तू तो गया, ओह माय गॉड, इसने तो धुआं छोड़ना शुरू कर दिया, और इस धुएं से मुझे कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि मैंने एक हेलमेट प्लस मास्क पहना हुआ है, वैसे काफी ज्यादा धुआं हो गया है, ये धुआं थोड़ी देर तक रहेगा। तो गेमर्स, अभी धुआं बंद हो चुका है। ओह ये ट्रायन को देखो कैसे पड़ा है साला, वैसे इसको कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कि ये अभी जिंदा है, तेरे बेहोश हुआ है, तो तुम्हें तो पता लग गया इस स्मोक बम से क्या क्या हो सकता है। तो अभी चलते हैं मिलिट्री बेस वालों के पास, उन सबको बेहोश करते हैं और उसके बाद चलते हैं सीक्रेट बेस में। तो गेमर्स, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, ये रास्ता भी पूरा साफ है, यहाँ पर कोई भी नहीं, यही सही मौका है, जितने ज्यादा स्मोक बम हो सके उतने मार देते हैं इनको, पूरा मिलिट्री बेस बेहोश होना चाहिए, एक अकेला बंदा भी नहीं बचना चाहिए। अभी तुम्हें लग रहा होगा इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा, इससे धुआं ही नहीं निकल रहा, ये स्मोक बम दूसरे, ये 5 मिनट के बाद असर करते हैं, जो मैंने तुम्हें दिखाया था वो दूसरा था, वो कुछ ही सेकंड्स में धुआं निकालता है, लेकिन इन्हें 5 मिनट लगते हैं। गेमर, सारी जगह पे मैंने स्मोक बम लगा दिए, तो अभी जल्दी से यहाँ से कट लेते हैं, नहीं तो पुलिस मेरे पीछे पड़ सकती है। तो मैं तुम्हें मिलता हूँ सीधा मिलिट्री बेस में। तो गेमर्स, मैं अभी आ चुका हूँ वापस, और मुझे लग रहा है एक भी मिलिट्री बेस वाला नहीं बचा, क्योंकि यहाँ से कुछ आवाज भी नहीं आ रही, वैसे मुझे थोड़ा बहुत शक हो रहा है, कोई ना कोई तो बच गया होगा। ओ यहाँ पर तो कोई भी नहीं, लगता है सब साइड में पड़े होंगे, यही सही मौका है। तो अभी कूद जाते हैं, अभी मुझे कोई भी नहीं रोकेगा। ओ यहाँ पर भी कोई नहीं, कोई भी नजर नहीं आ रहा, एक भी मिनट जाया नहीं करते, सीधा चलते हैं उस मिलिट्री टैंक के पास। मिलिट्री टैंक बस यहीं कहीं है, ओ ये रहा मिलिट्री टैंक। तो अभी इसे जल्दी से ऊपर करते हैं, मेरे पास सिर्फ 2 घंटे, उसके बाद सब उठ
टूट जाएंगे। ओ यहाँ पर तो कोई भी नहीं। ओ यहाँ पर एक लीवर है, इसको शायद मैं खींच सकता हूँ। मिलिट्री वाले बहुत चालाक है, उन्होंने यहाँ पर एक लीवर लगाए हुआ है, तो अभी जल्दी से इस लीवर के पास चलते हैं। तो अभी इस लीवर को खींच लेते हैं। ओ ये देखो ये रहा सीक्रेट बेस। तो अभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से इसके नीचे चलते हैं और देखते हैं इसके नीचे क्या क्या है, इन्होंने इतना सीक्रेट बनाया हुआ है। और तो गेमर्स मैं अभी आ चुका हूँ नीचे, अभी मुझे इतना सही से नहीं दिख रहा, तो इसलिए करते हैं फर्स्ट पर्सन मोड ऑन। तो गेमर्स मैंने फर्स्ट पर्सन मोड ऑन कर दिया है और तुम यहाँ पर ये वेंडिंग मशीन देख सकते हो। इस गुफा में ये दो दो हैं और इनमें बहुत सारी चीजें भी पड़ी हैं। इनका ये पता नहीं क्या करते हैं, कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। वो ये क्या है, ये क्या रखा हुआ है इन्होंने, ये मुझे मारेगा तो नहीं, ये है क्या, अरे ये व्हाइट पता नहीं क्या है, ये मुझे सामने से डॉल्फिन लग रही है, पता नहीं ये क्या करते हैं इसका। अरे ये क्या है, यहाँ पर घास कैसे आई, इन्होंने तो यहाँ पर घास भी लगा के रखी है, ये घास का पता नहीं क्या करते हैं, बड़े अजीब है ये। ओ माय गॉड ये क्या है, ये तो इंसान है और इनके सर कहाँ है, इनकी सिर्फ बॉडी से इनके सर कहाँ गए, या फिर ये कुछ खिलौने मतलब डमी डॉल है, पता नहीं क्या है, मुझे इनसे दूर रहना चाहिए, ये तो हॉरर होता जा रहा है। ये मिलिट्री बेस वाले पता नहीं क्या करते हैं यहाँ पर, अभी आगे चल के देखते हैं आगे हमें क्या मिलता है। आगे तो एक स्टार चमक रहा है, इसका क्या होगा, इससे तो कुछ भी नहीं हो। ओ ये एक और बॉडी है यहाँ पर और आगे भी एक बॉडी है, लेकिन इसकी मुंडी है इसके साथ, पता नहीं कौन है। वैसे वाइस टाउन से काफी लोग गायब हो जाते हैं, उनको पुलिस भी ढूंढ नहीं पाती, इसमें मेरा कुछ भी काम नहीं है। आगे चलते हैं। ओ ये क्या है, ये पता नहीं क्या स्ट्रक्चर इन्होंने खड़ा किया है, यहाँ पर पेड़ भी है, और ये क्या है डंपस्टर, और इसमें कुछ सामान पता नहीं क्या रखा हुआ है। अरे यहाँ पर बेड भी है, शायद से ये यहाँ पर नींद लेते होंगे, यहाँ पर कितनी सारी अजीब चीजें। ओ ये क्या है, यहाँ पर एक टीवी भी है, ये चल भी नहीं रहा। ये क्या आ गया पता नहीं, आगे इन्होंने पता नहीं कैसे ये बड़े बड़े ड्रम्स रखे, पता नहीं क्या करते हैं मिलिट्री वाले इनका। ओ ये क्या है, यहाँ पर एक स्केलेटन का फेस है, मतलब कि ये यहाँ पर एक खोपड़ी है, ये तो मुझे ही देख रही है। तो अभी आगे चलते हैं। ओ ये क्या है, पता नहीं क्या आ गया, मुझे लग रहा है ये खत्म। ओ नहीं नहीं, ये इन्होंने किसको बंद करके रखा है, ये तो मुझे एलियन लग रहा है। अरे ये तो हेल्प मांग रहा है मुझसे, मुझे लग रहा है इसे खोलना सही नहीं होगा, मिलिट्री वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो अभी यहाँ से चलते हैं। ओ ये क्या, ये तो सब कुछ खत्म हो गया, बस इतना ही था, आगे कुछ भी नहीं है, मुझे लग रहा था और होगा, लेकिन कोई बात नहीं। गेमर्स यहाँ से अभी बाहर चलते हैं, मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है। तो गेमर्स मैं वहाँ से बाहर आ चुका हूँ, आज मैंने मिलिट्री बेस वालों का सीक्रेट भी देख लिया, उन्होंने पता नहीं क्या क्या करके रखा है। गेमर्स अगर तुम चाहते हो मैं उस एलियन को बचाऊं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, शायद मैं अगले पार्ट में इसे बचाऊंगा। तो आज का शॉर्ट कट जाता है जनब माही, सौम्या 11 ईयर और वाइटी बॉय गेमर। अगर तुम्हें शॉर्ट कट चाहिए तो कमेंट करो, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।